अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव टीवी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको व्हाट्सएप के पांच इंपॉर्टेंट फीचर बताएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है इन्फॉर्मेटिव टीवी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे जो घंटी का निशान है उसको भी दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चले फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे ही हम व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेटस नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है आप किसी से हाइड करना चाहते हैं या किसी को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टेटस प्राइवेसी पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, माई कंटेक्ट एक्सेप्शन और ओनली शेयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप बाय डिफ़ॉल्ट माय कॉन्टैक्ट सेलेक्ट है तो आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट सेव होते हैं सिर्फ वही कॉन्टैक्ट आपका स्टेटस देख सकती है। यहाँ पे माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्शन, इसका मतलब है कि आप अगर किसी से अपना स्टेटस हाइड रखना चाहते हैं तो उसको बस यहाँ पे सेलेक्ट करें। इस तरीके से फ्रेंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं जितने लोगों से आप अपना स्टेटस हाइड करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो टिक वाला निशान है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये लोग आपका स्टेटस नहीं देख सकेंगे। और यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है ओनली शेयर विद, तो इसमें आप जिसको सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही लोग आपका स्टेटस देख सकेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट करें और यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करें तो सिर्फ यही लोग फिर आपका स्टेटस देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं अपने सेकेंड नंबर फीचर की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप में जो मतलब जितना डेटा होता है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप चाहते हैं कि वो कोई मतलब उसको डिलीट ना करे तो आप उसका बैकअप बना सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको चैट पे क्लिक करेंगे। चैट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चैट बैकअप, तो यहाँ पे आप गूगल ड्राइव में इसका बैकअप रख सकते हैं और दोबारा किसी भी मोबाइल में आप व्हाट्सएप अकाउंट को एक्टिवेट करके वही चैट आप दोबारा डाउनलोड। अभी चलते हैं अपने थर्ड नंबर फीचर की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं अकाउंट्स। तो जैसे ही हम अकाउंट्स पे क्लिक कर दें यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है टू स्टेप वेरीफिकेशन। तो फ्रेंड, इसका मतलब है कि आप अपने अकाउंट को इसके ज़रिए से सिक्योर बना सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने ये जो टू स्टेप वेरीफिकेशन है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको इनेबल करें। तो जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो अभी अपना अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी पासवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करें तो फिर कोई भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ज़रिए से हैक नहीं कर सकेगा। तो इस फीचर के ज़रिए से आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं अपने फोर्थ नंबर फीचर की तरफ। तो यहाँ पे हम दोबारा तीन डॉट पे क्लिक करेंगे। सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे अकाउंट्स, और यहाँ पे जो अकाउंट्स में आपको नज़र आ रहा है प्राइवेसी। तो फ्रेंड्स, इसमें आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे रीड रिसिप्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी का मैसेज पढ़े और उसके पास नोटिफिकेशन ना जाए तो यहाँ पर आप जो रीड रिसिप्ट है इसको आप अनचेक करेंगे तो फिर उसके पास मतलब नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो अगला डिसएडवांटेज ये है कि आप भी अगर किसी को मैसेज करेंगे तो आपको भी मतलब पता नहीं चलेगा कि उसने मेरे मैसेज रीड कर लिया है कि नहीं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ये फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी चलते हैं अपने फिफ्थ नंबर फीचर की तरफ। तो फ्रेंड्स, अक्सर अवकात इस तरह होते हैं कि हमारे मोबाइल में हम जैसे ही मोबाइल डाटा को ऑन करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या कोई भी फाइल, वीडियो फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, सेंड करते हैं जो मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं होती और वो ख़ुद ही डाउनलोड होती है। तो आप उसके ज़रिए से जो हमारा मोबाइल डेटा होता है जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ऑटो डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है उसको आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं या मतलब ख़त्म कर सकते हैं व्हाट्सएप में, तो उसके लिए यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद डेटा एंड स्टोरेज यूजेज, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे मीडिया ऑटो डाउनलोड व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, तो वाईफाई तो अनलिमिटेड होता है, उस पर आप जितना डाउनलोड कर सकते हैं कर ले, लेकिन यहाँ पे जो मोबाइल डेटा होते हैं वो हमारे पास लिमिटेड होता है। तो
और उसमें हम चाहते हैं कि हम हमारे पास ऑडियो वीडियो या डॉक्यूमेंट वगैरह वो खुद ही, मतलब अगर हम इसको डाउनलोड नहीं करना चाहते तो डाउनलोड ना हो, तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज़ तो अनटिक है, यहाँ पे फोटोज हैं इसको भी आप अनटिक करें और यहाँ पे ओके करें। मतलब जब हम मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं कोई हमें वीडियो फाइल या ऑडियो फाइल सेंड करते हैं तो ऑटो डाउनलोड नहीं होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स व्हाट्सएप के आप इन 5 फीचर को यूज़ करके इसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव टीवी को सब्सक्राइब करें, आगे जो घंटी का निशान है उसको भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।